स्वागत बंधन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग दो, यानी जो आपकी दूसरी पुस्तक है वितान भाग दो, उसमें जो हमने आपको इसके पहले जो पार्ट मैंने पढ़ाया सिल्वर वेडिंग, उसके जो पार्ट समझाए, उसका जो सार समझाया पार्ट का, आज हम उसी पार्ट के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित, उन्होंने जो लिखा है सिल्वर वेडिंग, आज हम उनकी रचनाओं उसके सार को हम पढ़ चुके हैं, आज हम उनके इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही मूलतः आधुनिक विचारधारा के नहीं थे, किंतु परिस्थितियों ने उनकी सोच बदलाव ला दिया और यशोधर बाबू के माता पिता का देहांत हो जाने पर उनका पालन पोषण बुआ द्वारा किया गया। नौकरी की तलाश में शहर आए यशोधर बाबू को आर्थिक मदद कर नौकरी में लगवाने वाले किशनदा उनके आदर्श बन गए, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले सिद्धांतवादी थे। अतः किशनदा के संरक्षण और सानिध्य के कारण यशोधर बाबू स्वयं कुछ जमाने के अनुरूप और बच्चों के आधुनिक सोच में नहीं ढाल पाए। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहने के कारण अपनी इच्छाओं का दमन करती रही, किंतु बच्चों के आग्रह पर स्वयं को आधुनिकता के लिबास में ढालने और अपनी आतृप्त इच्छाओं को पूरी करने का अवसर प्राप्त कर वह समय के साथ स्वयं को बदल लेना सही मानती थी, इसलिए वह सफल हो जाती है। पाठ में जो हुआ वाक्य में आप पाठ में जो हुआ होगा वाक्य में आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? तो इसमें पाठ में जो हुआ होगा कई अर्थ छवियां हो सकती हैं। यूं तो पाठ में जो हुआ होगा कि पुनरावृत्ति 4-5 बार हुई है, जहां पर वाक्यांश में अर्थ बदल जाते। पहली बार बिरादरी के व्यक्ति से मृत्यु का कारण पूछा, तब जो हुआ होगा अर्थात पता नहीं। दूसरी बार यशोधर बाबू की सोच में जिन लोगों के बाल 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 बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर के बाद जो हुआ होगा से मौत हो जाती है, अर्थात अपनों के अभाव में देखभाल ना हो पाने के कारण। तीसरी बार संध्या पूजा में ध्यान के यशोधर बाबू को किशनदा दिखाई पड़े, उनसे जो हुआ होगा कैसे मर गए पूछते हैं, तब ग्रस्त ब्रह्मचारी अमीर हो गरीब हो जो हुआ होगा मरते हैं, अर्थात व्यक्ति अकेले जन्म लेता अकेले जाना पड़ता है, यह जन्म मृत्यु का नियम है। अंतिम बार उन्होंने जो गाउन पहने यशोधर बाबू के अंग में किशनदा उतर आते हैं, उस समय बेटा भूषण द्वारा ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने के बाद जब यशोधर को चुप जाती है, तो वह किशनदा की मौत में जो हुआ हुआ से हुई है यह बात याद आती है, अर्थात अपनों को होते हुए भी साथ ना होने का एहसास उन्हें दुखी कर देता है। इस प्रकार पता नहीं क्या हुआ होगा, अपनों का अभाव जन्म मृत्यु का नियम और अपनों से होते हुए भी परायों जैसा व्यवहार ही व्यक्ति की मृत्यु के पर्याप्त कारण बन जाते हैं, ऐसी छवियां सामने आती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य में प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का उनके व्यक्तित्व कहानी के कथ्य से क्या संबंध है? पूरी कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ ना कुछ सही नहीं है, अर्थात कुछ गलत है। यशोधर बाबू जैसे संस्कारी सिद्धांतवादी परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति को आधुनिक विचारधारा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित कई नई पीढ़ियों के लोगों का रहन सहन भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं उचित नहीं लगती थी। वे समहाउ इम्प्रॉपर शब्द कहकर उस परिस्थिति विशेष में असहजता को व्यक्त करते थे। वे उस विशेष परिस्थिति में स्वयं को बदल कर सामान्य बिठा पाने में असमर्थ होते थे। जो उनके व्यक्तित्व के लिए मैं मुर्गी की एक टांग या लकीर के फकीर जैसे होने की कहावत उचित लगते हैं। सिल्वर वेडिंग पार्टी पर, साधारण पुत्र के असाधारण वेतन पर, केक काटने की परंपरा पर, घर में गैस फ्रिज आने पर, बेटी के पतलून व सेंडो ड्रेस पहनने पर, पति के बिना बाहें की ब्लाउज ओंठों पर लाली लगाने आदि कई जगह पर कहे समहाउ प्रॉपर शब्द यशोधर बाबू द्वारा पीढ़ी अंतराल के परिवर्तन को नकारने वाले एवं स्वयं को वक्त के साथ संशोधित व संवर्धित न कर पाने के व्यक्तित्व को व्यक्त करते हैं, जो कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है कि अनुरूप आवश्यक है। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, कैसे? विद्यार्थी स्वयं करें, क्योंकि विद्यार्थियों के अनुभव के आधार पर, तो आप लोगों को इसमें से स्वयं आपको सोचना है और उसके आप अपने अनुभव के आधार पर इसका आंसर लिख सकते हैं। वर्तमान समय परिवार के संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो वर्तमान समय परिवार की संरचना व स्वरूप इस कहानी की मूल संवेदना है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के विचार सिद्धांतों मान्यताओं व्यवहारों में काफी अंतर आ गया।
घर के बड़े बुजुर्ग यशोधर बाबू की तरह सिद्धांतवादी होते हैं। पुरानी पुरानी मान्यताओं परंपराओं की लीक पर चलने वाले होने के कारण वे नई पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, परिणाम स्वरूप पारिवारिक सदस्यों के बीच असंतोष व अशांति का माहौल बन जाता है। इसके पीछे संयुक्त परिवार का विघटन भी कारक है। वर्तमान समय में सिद्धांतों के साथ व्यवहारिक होना भी वक्त की मांग है, तभी व्यक्ति परिवारों को एकजुट रख खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है, अन्यथा यशोधर बाबू की तरह स्वयं को परिवार से अलग रहकर दुखी रहेगा। वहीं उनकी पत्नी अपने सिद्धांतों को छोड़कर व्यवहारिक होने का प्रयास कर अपने बच्चों के साथ सुखी व प्रसन्नचित महसूस करती हैं। बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदल लेना ही समझदारी व सुखकारी है। चलिए आइए इसके आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। सिल्वर बाइंडिंग कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल को कहना उचित होगा, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जिसके तहत हर पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी में आचार व्यवहार, खान पान, रहन सहन, सोच विचार में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है, जो नवीन अनुसंधानों, शिक्षा, विकास और अनुकरण के कारण होता है। यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में परिवर्तन होता जाता है। अनुसंधान, विकास, शिक्षा से नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करती है, फलस्वरूप उसके भारतीय संस्कार व मानवीय मूल्य हाशिए पर चले जाते हैं, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। सिद्धांतों, मानवीय मूल्यों और व्यवहारों का आपस में टकराव होता है, संघर्ष आरंभ हो जाता है। जिसने इस परिवर्तनों के साथ परिवर्तित होना सीख लिया वह सुख व खुशहाल होता है, अन्यथा यशोधर बाबू की तरह दुखी होकर अकेलेपन का शिकार हो जाता है। इस प्रकार कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी अंतराल के साथ अन्य दोनों के कारण भी आपस में संबंधित है। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? हमारे घर व विद्यालय के आसपास अनेक बदलाव दिखाई पड़ते हैं जो सुविधाजनक तो हैं पर बुजुर्गों को पसंद नहीं, जैसे मोटर गाड़ियाँ, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, मोबाइल, शौचालय, इंटरनेट, गैस चूल्हा, सोलर कुकर, कुकर, माइक्रोवेव आदि चीज़ें जो हैं वह सुविधाजनक है, किंतु बुजुर्गों की दृष्टि में हर चीज़ में कोई ना कोई खामी है। कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से तो कोई व्यवहार की दृष्टि से, कोई छुआछूत की दृष्टि से। मोटर गाड़ियाँ की तेज़ रफ्तार खतरनाक है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, अश्लीलता का संचारक, कुकर गैस चूल्हा, फ्रिज के भोजन सुपाच्य नहीं होते। शौचालयों का घर के अंदर होना छुआछूत का कारण होता है। एसी, माइक्रोवेव स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। इन सब कारणों से इन वस्तुओं व बदलाव को अपनी संस्कृति व सभ्यता के खिलाफ मानकर पसंद नहीं करते। जैसा कि इसमें बताया गया है कि बहुत छुआछूत, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो घर में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, चूल्हे पे बना ही खाना स्वास्थ्यवर्धक होता है, गैस चूल्हे का नहीं। इस प्रकार और भी चीज़ें जैसे कि इसमें बताई गई हैं तो यह उनका मानना और सोचना रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभव सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से कैसे हैं? पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह है, सिल्वर बाइंडिंग कहानी के अध्ययन से उपरोक्त 3 कथन कहीं ना कहीं उचित लगते हैं। तो सबसे पहला जो कथन है वह है, पुराने क्वार्टर को ना छोड़ना और पत्नी बच्चों के आधुनिक पहनावा को स्वीकार न करना उनकी पुरानी सोच को व्यक्त करता है, अतः वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है क्योंकि आधुनिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं उन्हें अच्छी लगती हैं, किंतु उन चीजों की खरीदी और आयोजन के पहले उनसे सलाह मशवरा न करना वे अपना तिरस्कार या अपमान समझते हैं, अतः उनके प्रति सहानुभूति उचित है।
मंदिर जाना, अपनों की मदद करना, बुजुर्गों के कार्य में हाथ बटाना एक आदर्श व्यक्तित्व के परिचायक है जिसे नई पीढ़ी को अपनाना चाहिए। तीनों कारणों को उचित ठहराने की वजह है कि समाज व परिवार व्यवहार से चलता है, जहाँ हर उम्र दराज व भांति भांति के सोच विचार के लोग होते हैं। कोई तुरंत बदलाव पसंद करता है, कोई बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने के पहले ही अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, अतः उसे बदलने में वक्त लग जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिल्वर बेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र उदाहरण कीजिए, अथवा सिल्वर बेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की चार प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सबसे पहला है परंपरावादी। यशोधर बाबू परंपरावादी हैं, उन्हें पुराने रीति रिवाज अच्छे लगते हैं, वे संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, उन्हें पत्नी व बेटी का संवरना अच्छा नहीं लगता, घर की भौतिक चीजों से उन्हें चिढ़ है। पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी यशोधर बाबू सिल्वर बेडिंग बनाना, पतलून, सैंडो, ड्रेस, बिना बाएं ब्लाउज, केक काटना आदि सभी को पाश्चात्य संस्कृति की देन मानते हैं, अतः वे उसे ना अपनाकर विरोध प्रकट करते हैं। फिर है धार्मिक। प्रवचन सुनना, संध्या पूजन करना, मंदिर जाना, धार्मिक किताबें पढ़ना उनके जीवन का अहम हिस्सा है, जो किशनदास से विरासत में प्राप्त है। परमार्थी, नाते रिश्तेदारों की जरूरत के वक्त मदद करना, निराश्रय को आश्रय देना, यही भी किशनदास से सीखा था। उन्हें शहर में भी किशनदास ने ही आश्रय दिया था, यही वजह है कि उनके अंदर दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति है। आदर्शवादी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने निर्णयों में बुजुर्गों का व बड़ों की सलाह लेना, दफ्तर की हो या घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाना, सरकारी वक्त का पालन करना उनके आदर्श व्यक्ति को प्रमाणित करते हैं। यशोधर बाबू ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ना पालते तो अच्छा था। यशोधर बाबू परंपरा को मानने और बनाए रखने वाले इंसान थे, उन्हें पुराने रीति रिवाजों से लगाव था, वे संयुक्त परिवार के समर्थक थे। उनकी पुरानी सोच बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, बच्चों का आचरण व्यवहार देखकर उन्हें दुख होता है। उनकी पत्नी भी बच्चों का ही पक्ष लेती है और ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताती है। इसके अलावा यशोधर बाबू को घर के कई काम करने होते हैं। घर में अपनी ऐसी स्थिति देखकर वे सोचते हैं कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ना पालते तो अच्छा था। सिल्वर बेडिंग के आधार पर सेक्शन ऑफिसर बाई डी पंत और उनके सहयोगी कर्मचारियों के परस्पर संबंध पर टिप्पणी कीजिए। सेक्शन ऑफिसर बाई डी पंत बिहार ऑफिस में शुष्क था, वे किशनदा की परंपराओं का पालन कर रहे थे। वे सहयोगी कर्मचारियों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ बैठकर चाय पानी पीना, गप मारना उनके अनुसार समय की बर्बादी थी। वे उनके साथ जलपान करने के लिए भी नहीं रुकते, वे समय से अधिक दफ्तर में रुकते थे, इससे भी उनके सहयोगी उनसे नाराज थे। यशोधर बाबू दो विभिन्न कालखंडों में जी रहे हैं, पक्ष विपक्ष उदाहरण तर्क दीजिए। यशोधर बाबू दो विभिन्न कालखंडों में नहीं जी रहे, बल्कि वे वर्तमान कालखंड को नकार कर भूतकाल में जीने की कोशिश कर रहे हैं। समय बदल चुका है, किंतु यशोधर बाबू नहीं बदले। उनकी पत्नी जमाने की नई चाल को अपना चुकी है, किंतु यशोधर बाबू अभी अपनी पुरानी परंपराओं का चोला अपनाए हुए हैं। उनके बच्चे आधुनिक खान पान पार्टी कल्चर को अपना चुके हैं, किंतु वे अभी भी रामलीला व कीर्तन की दुनिया में जीना चाहते हैं, अतः वे वर्तमान में भूतकाल की माला रट रहे हैं। उनका यही द्वंद है, इसलिए उनका जीवन असंगत हो गया है, वे दाल भात में मुसलचन बन गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिल्वर बेडिंग कहानी के पात्र किशनदा के उन जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बने रहे हैं। इस प्रकार इसका जो आंसर है वह है सिल्वर बेडिंग कहानी के पात्र। इस प्रकार सिल्वर बेडिंग कहानी के पात्र किशनदा के अनेक जीवन मूल्य ऐसे थे जो यशोधर बाबू में आजीवन बने रहे। उनमें से कुछ जीवन मूल्य निम्नलिखित है। पहला है सरलता। यशोधर बाबू सरलता की मूर्ति हैं, बेछल कपट या दूसरों को धोखा देना जैसे कुसित कार विचारों से बहुत दूर हैं। आत्मीयता,
यशोधर बाबू अपने पारिवारिक सदस्यों के अलावा अन्य लोगों से भी आत्मीय संबंध रखते हैं और यह संबंध बनाए रखते हैं। सादगी, यशोधर बाबू अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। वे सुविधा के साधनों के फेर में नहीं पड़े। वे साइकिल से ऑफिस जाते हैं और फटा पुलोवर पहनकर दूध लाते हैं। भारतीय संस्कृति से लगाव, यशोधर बाबू को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव है। उनके बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता से लगाव है, फिर भी वे पुरानी परंपरा और भारतीय संस्कृति के पक्षधर हैं। इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर मैंने वितान भाग दो, जिसमें मैंने आपको सिल्वर वेडिंग जो पार्ट आपको समझाया, उसका सार समझाया। इसके अलावा उसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी मैंने आपको समझाए। आप रजिस्टर या जो भी कॉपी बच्चों आपने बनाई हो उसमें बहुत अच्छे से इसको लिखते जाइएगा और याद भी करते जाइएगा। धन्यवाद बच्चों।